मैं तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। वाह 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 कलम वाली भाई वाह। ये लाल वाली लड़की कहाँ इशारा कर गई और क्या बताना चाह रही है? ये वही लड़की है जो ब्रेकअप के बाद हाथ काट कर फेसबुक पर बोलती है, मेरा हुआ घाटा अब मैग्डी कौन ले जाता। लेकिन मैं बोलता हूँ इसको एक बार ये लड़का मिल जाए ना तो इसको समझ आए कि किसका कितना घाटा और ज्यादा कौन चिल्लाता। चलो अब इसको देखो। थोड़ी सी भी कोशिश न की तुमने, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। अबे जब नहीं कोई घाटा तो फूट फूट को क्यों रो रही हो? अगर आप म्यूजिकली चलाते हैं तो आपको बताते चले कि वहाँ एक गाने के पीछे पूरी दुनिया नहा धो के पीछे पड़ गई है। लेकिन ये लड़कियां तो सबसे आगे निकल चुकी हैं और ऐसे ऐसे इशारे कर दी कि आशा राम भी शर्मा जाए। मुझे तो लगता है जब इनके माँ बाप को पता चला होगा कि इनकी बिटिया ने इंटरनेट पर जहर फैला दिया है तो क्या हाल हुआ होगा। गजेंद्र वर्मा ने एक गाना गाया है जिसके बोल हैं, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसमें किसका क्या घाटा है और किसका क्या नहीं जाता। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारे सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। इस वीडियो में जो लाल वाली लड़की है वही लीडर है और इस गाने के बाद उसके घर का आलम कुछ ऐसा हो गया। लेकिन वो बात छोड़ो, मुझे बताओ ऐसा कौन सा घाटा है? अगर होता भी है तो लौंडे मरे जा रहे हैं ऐसे घाटे करने के लिए, तो उसकी टेंशन ना लो। और सही बात है, इसमें कौन सा घाटा, फायदा ही तो है क्योंकि पप्पू पेट में आता। तो इसी बात पे हमारे कुछ दोस्तों ने भी इन्हें रिप्लाई कर दिया है। थोड़ी सी भी कोशिश न की तुमने, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। सही बात है, लौंडे ने इशारा कर दिया कि घाटा तो छोड़ो, थोड़ी कोशिश के बाद फाड़ के चौबारा हो जाता। सही बात तो है, इसमें कोई घाटा नहीं है बल्कि तुम्हारी सील फट के फ्लावर हो जाता। बहुत सही लड़कों ने बता दिया कि इनको कोई घाटा नहीं है क्योंकि ये अपना काम तो हाथ से ही चला लेंगे। इसकी तो शक्ल से भी लगता है कि इसका हाथ बना ही इसीलिए है। नहीं, माँ बाप ने भेजा है जाओ बेटा अच्छे से पढ़ाई करो तरक्की करो, लेकिन यहाँ तो घाटे समझाए जा रहे हैं। लेकिन ये वीडियो इनको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इनके बॉयफ्रेंड ने कोशिश नहीं की होगी? तो यार हमें क्यों बता रही हो, जाओ टिंडर पे कोई दमदार लड़का ढूंढ लो। दोस्तों सूत्रों से खबर आ रही है कि ये चार लड़कियां दिल्ली की हैं और अब इन्हें अश्लीलता फैलाने के लिए गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मेरे हिसाब से तो ये गलत है क्योंकि हर इंसान अपनी इच्छा का मालिक है और वो अपने विचार प्रकट कर सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इन लड़कियों के साथ सही हुआ है या गलत? कमेंट करके जरूर बताएं।